यूपी में पृथ्वीराज फिल्म को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने मंत्रियों और विधायक के साथ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देखी तो सपा और कांग्रेस ने सवाल उठाए। इस पर सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री केशव ने पलटवार भी किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि भाजपा सरकार फिल्म गुप्त की बजाय टिकट लेकर देखती तो इससे राज्य के राजस्व का नुकसान नहीं होता। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नसीहत देते हुए अपने पहले ट्वीट में कहा कि ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालत भी देखे। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। इसके कुछ देर बाद अखिलेश यादव ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म के कलाकारों और अपने मंत्रियों के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग देख रहे हैं। अखिलेश ने तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि लोक भवन में सपा सरकार द्वारा बनवाए गए आधुनिक ऑडिटोरियम में भाजपा सरकार की कैबिनेट ऐतिहासिक फिल्म देख रही है। वैसे फिल्म पीछे बैठकर देखी जाए तो भी अच्छी दिखती है और मुफ्त के बजाय टिकट लेकर भी, क्योंकि इससे राज्य के राजस्व का नुकसान नहीं होता। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को रिलीज होने से पहले उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। सीएम योगी ने अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर अभिनीत फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को देखने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश में यह फिल्म टैक्स फ्री की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस फिल्म के निर्देशक को और कास्ट को बधाई देता हूं। मुझे कई वर्षों के बाद किसी फिल्म को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे कुछ देर हुई आने में, पर आप सबने देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।